हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डे फिटनेस में। और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक रैपिड फायर राउंड, और जिसमें मैंने इंक्लूड किया है आर्म साइकिल्स, प्रेयर पुशअप्स, जंपिंग जैक्स, पंचेस, फ्लटर किक्स, नी टक, क्रंचेस। और इन सारे एक्सरसाइज को करने से आपका आर्म फैट और बेली फैट बहुत ही जल्दी कम होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। ये जो मैं कर रहा हूँ ये अभी है, ये आर्म सर्कल्स है अपने शोल्डर्स को पूरा वार्म करने के लिए। आपको एक बार फ्रंट और एक बार रिवर्स में इसको कंप्लीट करना है। तो आर्म सर्कल्स करने के बाद आपका शोल्डर और आर्म दोनों ही वार्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको प्रेयर पुश करना है। प्रेयर पुश में भी आपके शोल्डर्स और ट्राइसेप्स बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेक हो जाएंगे। तो इसको आपको रैपिड फायरली करना है, मतलब रुकना नहीं है। इसके बाद आपको करना है पंचेस। पंचेस में भी आपका ट्राइसेप, फोर आर्म्स और शोल्डर मसल्स और बाइसेप मसल्स दोनों टारगेट हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बर्न फील होगा अपने मसल टिश्यूज में, और मसल टिश्यूज फटना शुरू हो जाएंगे इसी दौरान। फिर उसके बाद आपको करना है जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स में आपके लेग्स भी ट्रेन हो जाएंगे और साथ ही में आपका अपर बॉडी भी पूरा वार्म हो जाएगा, जिससे मसल टिश्यूज फटना शुरू हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, मसल टिश्यूज को ब्रेक करना शुरू कर देगा। फ्लटर किक्स। फ्लटर किक्स में भी आपको पता है कि आपके जो बेली फैट है, फ्लटर किक्स बहुत ही हेल्प करता है। अगर आप कंट्रोल वे में बेली फैट कम करना चाहते हो तो कंट्रोल वे में आपको फ्लटर किक्स करने पड़ेंगे। फ्लटर किक्स के बाद आपको उसी के तुरंत बाद ही शुरू कर देना है क्रंचेस, रिवर्स क्रंचेस। तो रिवर्स क्रंचेस आप जब करोगे तब भी आपका सेम चीज़ है, लोअर एब्डोमिनल में आपको ये टारगेट करेगा और आपके मसल टिश्यूज को ब्रेक करेगा और हेल्प करेगा आपको बेली फैट को कम करने में। तो आज के लिए इस रैपिड फायर राउंड में इतना ही। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।